अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सोशल मीडिया की ऐप टिकटॉक से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। आज इसके ऑनर की ज़िंदगी से मुतालिक एक हकीकी कहानी के बारे में हम जानेंगे। इसका नाम जेंग यिमिंग है और ये चाइना का 9वें यानी 9th नंबर पर अमीर तरीन इंसान है। 2008 में जेंग यिमिंग ने एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को ज्वाइन किया, मगर इसके फौरन बाद ही इसने फैनफू नामी एक कंपनी को ज्वाइन कर लिया, मगर ये कंपनी ज़्यादा अरसे तक चल ना सकी और बंद हो गई, जिस वजह से जेंग बेरोज़गार हो गया। इसके बाद इसने अपनी एक कंपनी बनाई जिसका नाम इसने 99 फैम रखा। ये 2011 की बात है। इस कंपनी के बनने के बाद जेंग ने नोट किया कि लोग कंप्यूटर्स के निस्बत मोबाइल फ़ोन में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। इस सब को जहन में रखते हुए इसने एक कंपनी बनाई जिसके नतीजे में टिकटॉक ऐप वजूद में आई। मगर टिकटॉक बनाने से पहले इस कंपनी ने अपनी सबसे पहली ऐप लॉन्च की जिसका नाम हिंटोजई था, मगर ये ऐप बिल्कुल फेल हो गई, यहाँ तक कि इसको पूरे चाइना में बैन कर दिया गया। जेंग एक ऐसी ऐप बनाना चाहता था जिसके ज़रिए चाइना के लोगों को हर खबर मिल सके, मगर इस ऐप को बनाने के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए उसने इन्वेस्टर्स ढूंढना शुरू कर दिए, मगर किसी ने भी इसका साथ ना दिया। और फिर 2012 में एक इन्वेस्टर इसकी कंपनी पर पैसे लगाने के लिए तैयार हो गया, जिसके नतीजे में इसने एक टोटियो नामी ऐप बनाई जिसको 1,30,00,000 लोग इस्तेमाल करने लगे। ये जेंग की ज़िंदगी की सबसे पहली कामयाबी थी। इसके बाद 2016 में जेंग ने एक और ऐप बनाई जो अभी हालिया तौर पर टिकटॉक के नाम से मशहूर है, मगर चाइना में इसे डोइन के नाम से जाना जाता था। लोगों ने दिलचस्पी के साथ इस ऐप को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसने इस ऐप को पूरी दुनिया में लॉन्च करने का सोचा और आखिरकार 2017 में ये ऐप पूरी दुनिया में लॉन्च कर दी गई, मगर इस वक्त म्यूजिकली ऐप भी काफ़ी मशहूर थी और इस सूरत में टिकटॉक का मशहूर होना बहुत ही मुश्किल था। लिहाजा जेंग यिमिंग ने यह ऐप तकरीबन 150 अरब रुपए में ख़रीदी और तमाम यूज़र्स को टिकटॉक के साथ जोड़ दिया। आज टिकटॉक ऐप तकरीबन 100 जुबानों में अवेलेबल है और इसका कोई भी कंपटीटर मौजूद नहीं। अब ये दुनिया की मशहूर तरीन ऐप्स में शुमार होती है। नाज़रीन, ये थी आज की मालूमाती वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको ये काफ़ी पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।